आपका नाम? मेरा नाम विमलेश बौद्ध है। विमलेश बौद्ध जी, विमलेश बौद्ध जी, ये पहले भी 3 दिन का लगातार मेला लगता था, लेकिन इस बार आपने मेले में नया क्या देखा? मेले में क्योंकि हम ही ने इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ी हैं जिससे कि घरों में जो बैठे रहते हैं पूरे वर्ष, वो 2 दिन हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते थे, लेकिन इस बार 3 दिन का करके उनकी उम्मीदों को हमने कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की है और की भी हैं, और लोग खुश हैं कि भाई इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, देखने को मिला है। हम लोगों में मतलब जितने भी हैं उनमें सब में उत्साह भी आया है, और महिलाओं को लेकर के हमने इतना ये सोचा है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वो भी आगे आने के लिए अब तैयार हुई हैं। हमने घर घर जाकर उनको जो इन्विटेशन दिया कि आप आइए, हमारे जो मेहनत को सफल बनाइए, और उन्होंने बहुत ही खूबी से हम लोग मेरा साथ दिया। मेरे सभी मतलब जितने भी कार्यकर्ता हैं या मेरे भारत की जितनी भी महिलाएँ हैं जिन जिनको संदेश पहुँचा, वो सभी हमारे साथ मिलकर, हम सब ने एक साथ मिलकर सहयोग जो किया, जो उन्होंने सहयोग भी दिया हमें, आज उनकी वजह से हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा रहा है। 2 तारीख की वजह से जो हमारा प्रोग्राम लोगों ने उसको मतलब एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन वो कमज़ोर नहीं हुआ, और बल्कि रिजल्ट उसका उल्टा हुआ कि उससे ज़्यादा उत्साहित होकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, हमें भी सहयोग किया, और हमारी बहुत ज़्यादा हमें भी उत्साह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो हमारी पहले की महिलाएँ थी उन्होंने हमें आगे रास्ता दिखाने के लिए अपना सहयोग दिया और हम आगे तक आए। धन्यवाद। आइए और जानकारी लेते हैं कि अभी देख रहे हैं कि हमारे बीच के अंदर के सफ़ेद साड़ी और नीली पट्टी लगा रखी है, नीली पट्टी और सफ़ेद साड़ी का भी कोई मतलब होता होगा। आप इस मेले में आए हैं और आपने इस मेले में क्या देखा आपने ऐसा नया? मैंने इस मेले में बहुत उत्साह भरा मतलब सबका मन ऐसा था कि मतलब उत्साह से भरा हुआ था, और ये हमें पहली बार ऐसा देखने को मिला है। क्या देखने को मिला इस बार? मतलब अच्छी डेकोरेशन भी थी, शायद वो पैदल मार्च किया है और पंचशील को झंडे को लेके पूरे गाजियाबाद के नाम में इतिहास रचा है। हाँ जी, पूरे गाजियाबाद में किया था, बहुत शांति और बहुत शांति से किया। और आगे और चलते हैं और मालूम करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम बौद्ध है। पूनम बौद्ध है, शायद शकुंती की देवरानी है, देवरानी देवरानी है। तो आपने इस मेले में क्या देखा और मेले के अंदर ऐसी क्या नई चीज आई हुई है? देखिए, बाबा साहब का 127वां जन्मदिन हम लोगों ने, स्पेशली महिलाओं ने इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, और पंचशील जो कि 150 मीटर उसको लेकर हम महिलाओं ने जो है एक मैं कहती हूँ इतिहास रच दिया, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये पहली बार हुआ है कि महिलाओं ने अपनी ज़्यादा भागीदारी दिखाई है इस बार, और अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे महिलाएँ सारी। तो आप भागीदारी दिखाई है, और ऐसा तो नहीं है कि आज 3 दिन 13-14 तारीख आपने मना ली, 15 तारीख मना ली, उसके बाद में घरों के अंदर देवी देवताओं की वो सुबह शाम घंटी बजेगी और हे देवी जी मेरे पति की उम्र लंबी कर देना, वो कर देना, ऐसा चलेगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल पक्की बौद्धिस्ट हूँ, और मैं तो और महिलाओं को भी कन्विंस करती हूँ कि आप एजुकेटेड हैं, आप बौद्धिस्ट हैं, लेकिन औरों को कौन समझाएगा? नहीं, हम समझाएंगे ना औरों को, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि बाबा साहब ने तो सबसे ही कहा था ना कि जो चीज़ मैं आपको देकर जा रहा हूँ आप लोगों को भी देना, दूसरे लोगों को भी देना, तो ये हमारा फर्ज है। ये कहा था कि जितने आप शिक्षा लोगे उतना धाड़ोगे, शेरनी का वो दूध है उतना धाड़ोगे जी, तो इसलिए आप धाड़ नहीं यहाँ पे जी। बिल्कुल, शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि एक परिवार में यदि एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो महिलाओं को आगे आना होगा, अपनी भागीदारी दिखानी होगी, और जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी, जब तक वो अपना इतिहास नहीं जानेंगी, तब तक उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किसने हमारा शोषण किया और किसने हमें सारे राइट्स दिलाए। अच्छा, आपको समझाना होगा। आइए और जानकारी करते हैं कि देखो बड़ी खुशी की बात है, जहाँ पुराने समय के अंदर महिलाओं को कपड़ा पहनने की पाबंदी थी, उनको बाहर निकलने की पाबंदी थी, वहाँ शिक्षा लेने की पाबंदी थी, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि आप इतनी सुंदर सुंदर महिलाओं को यहाँ देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देख रहे हैं। ये सिर्फ बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब ने संविधान लिखा उसके तहत ये सुंदर सुंदर महिलाएं दिखाई दे रही हैं। एक बार मौका तो मिले, जब मौका मिलता है तो मौका चुकते नहीं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमृत कौर है। अमृत कौर जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप हमें यहाँ पे लोगों के सामने लाने का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। क्योंकि आप तो मेरा ये धन्यवाद करनी है तो आप मुझे कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप इतने खुश क्यों नजर आ रही हो आज? जी सर, हाँ, हम इसलिए खुश हैं कि उस महानायक का जन्मदिन मना रहे हैं हम, जो पूरे विश्व में सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वो ज्ञान के प्रतीक हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज, और हम महिलाओं को सबसे
बड़ा ऋणी होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए बाबा साहब ने काम किया, महिलाओं के लिए जी, क्योंकि जिस समय बाबा साहब ने देखा कि हमारे जो भारत देश की महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं और जितने भी अत्याचारों की सीमा लांघने का काम किया मनुवाद ने, उसको बाबा साहब ने तोड़ने का काम किया और जे सारी चीज़ें जितने भी अधिकार हैं हमारे बाबा साहब ने हमें दिए, तो खुश होने की तो बात बनते, खुश होने की नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि हमारा एक एक बूंद का जो कतरा है बाबा साहब के मिशन के लिए हम लगा देंगे। और अभी तो इतनी ही महिला आपको दिखाई दी हैं, आने वाले समय में कई गुना महिला हम हकीकत बात है जब बाबा साहब काम कर रहे थे तो बाबा साहब ने अपने बच्चों को नहीं देखा, चार चार बच्चे उनके एक्सपायर हो गए, उनकी पत्नी दवाई के कारण एक्सपायर हो गए, लेकिन हमें उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और उनका जो जीवन परिचय हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम लता। कुसुम लता जी, जी आप लता भी हैं और कुसुम भी हैं जी। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है बाबा साहब का जन्मदिन मनाने में? बहुत अच्छा लग रहा। और हम आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है 30 साल हो गए, मैं पूरी बौद्धिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने शादी 30 साल से मेरी तो शादी भी सरादों में हुई है, जब लोग बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, कुछ सामान नहीं खरीदते, उस समय में मैंने शादी करी है, डेट डिसाइड करके हमने शादी करी थी। सभी लोग कह रहे थे कि ये कौन सा समय है जो ऐसे समय में शादी करी, तो हम पक्के बौद्धिस्ट हैं। अक्टूबर के आसपास हुई होगी? नहीं, मैंने 24 सितंबर में हुई थी। अच्छा, अच्छा। उस टाइम पर सराद चल रहे थे तो हमने कहा कि भाई अभी सभी देवी देवता सोए हुए हैं, जाग जाएंगे तब बहुत हर चीज़ की महंगाई हो जाती है ना, तो हाँ अभी सोए हुए हैं इसलिए सोने रहने दो इन्हें और हम अपना काम निपटा लेते हैं। तो हमने ऐसे समय पर शादी की और ये बिल्कुल सही कह रही हैं बाबा साहब ने जो कहा, संगठित रहो और संघर्ष करो, संघर्ष में भी हम पीछे नहीं हटने वाले, महिलाएं भी पीछे नहीं हटने वाली, और यहाँ तक कि हमें कोई भी चीज़ हमें करनी पड़े हम बाबा साहब के लिए करेंगे, चाहे हम अपनी जान का भी बलिदान देना पड़े, हम तो यहाँ तक भी तैयार हैं, कुछ भी हमें कहीं भी आगे बढ़ाओगे तो हम अपनी जान भी दे देंगे।